मिसेल यूनियन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8 से 14 हजार तक बढ़ाया जाएगा वेतन, बजट घोषणा के अगले दिन शुरू कर दी गई थी प्रक्रिया। 2 साल पूरा कर चुके शिक्षक कर्मियों का मांगा गया है ब्यौरा, परीक्षा अवधि के दौरान अध्यापन कार्य का भी रिकॉर्ड मांगा गया है। सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, अपने वचन पत्र में जो वादे किए थे कांग्रेस ने, उसको अब निभाती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसे निभाती आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में शिक्षा कर्मियों के संविलियन की घोषणा की थी, जिसे लेकर के स्तर पर जो है वो कवायद शुरू हो गई है। जिला पंचायत कोरिया सहित अन्य जिलों में 2 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षा कर्मियों की जानकारी जो है वो जुटानी शुरू कर दी है विभाग ने। हालांकि शिक्षा कर्मियों का जो सम्मेलन है वो 1 जुलाई 2020 के बाद ही होगा। इधर संविलियन की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। शिक्षा कर्मियों के संविलियन का जो है वो डॉक्टर रमन सरकार ने खोला था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए थे, जिसे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लेकर के आए थे और उन्होंने बजट में